हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जयसवाल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। इसके मेन इंग्रेडिएंट है सुगर, गाजर, बटर। पहले गाजरों को अच्छे से साफ करके धो करके फिर उसे कद्दूकस कर लेंगे। अब एक कढ़ाई या कोई बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें कद्दूकस किए हुए गाजरों को डाल देंगे और एक कप दूध डाल देंगे और तेज आंच पर इसे पकने देंगे। इसे हम लगभग 5 मिनट्स के लिए ढक देंगे। 5 मिनट्स के बाद ये गाजर देखिए पानी छोड़ने लगेगा और दूध में अच्छे से मिल जाएगा। अब इसका पानी हम तेज आंच पर उड़ने देंगे ताकि ये सारा पानी और दूध का जो पानी है वो उड़ जाए और ये सूख जाए। जब इसका पानी थोड़ा उड़ जाएगा तब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। गाजर में च्यूइनेस देने के लिए, मतलब बाहर वाला गाजर का हलवा बनाने के लिए, हम एक कढ़ाई में देसी घी डाल करके गोंद को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये फूल जाते हैं और फिर हम इसे आसानी से क्रश कर सकते हैं। आप मिक्सी में भी क्रश कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी बोर्ड पर रोलर से रोल करके आसानी से क्रश करके इसे हम हलवे में डाल लेंगे। अब चाशनी बनाने के लिए हम एक पैन में 1 कप चीनी लेंगे और उसमें हम 1/2 कप पानी डाल करके उसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। जब हमारे 1 तार की चाशनी तैयार हो जाएगी तो गैस बंद कर देंगे। इधर देखिए हलवे का पानी पूरी तरह से उड़ गया है और हलवा हमारा लगभग तैयार दिख रहा है। अब इसमें हम ये चाशनी डाल करके इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे, काजू डालेंगे, आप इसे काट के भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। बारीक कटे बादाम डालेंगे, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लीजिए, हमारा गाजर का हलवा तैयार है। बस आप इसे फटाफट सर्व करें और इसके मजे लें। से कुछ ड्राई फ्रूट से हम गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। देखिए क्या कलर आया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।